नमस्कार दोस्तों, एबीबी टैग में आपका फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आप अपने मोबाइल में जो कि फास्ट टर्नर लाइट की फॉरेक्स ऐप क्या है और इस ऐप को अपने मोबाइल में किस तरह से यूज कर सकते हो। तो दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साइड में बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर सेट कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों क्या करना है, सबसे पहले यहाँ से आपको अपने मोबाइल में प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको कुछ इसी तरह से फास्ट टर्नर लाइट की फॉरेक्स ऐप करके डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों इस ऐप का रिव्यू देखेंगे तो काफ़ी अच्छा है जो कि 2.7 है और उसी तरह से इसकी डाउनलोडिंग है वो नई है जो कि 10,000 प्लस देखने को मिल जाएगी जो कि इसकी डाउनलोडिंग भी काफ़ी अच्छी है और इस ऐप को अपने मोबाइल में किस तरह से यूज कर सकते हो। तो दोस्तों उसी तरह से इस ऐप को मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद दोस्तों ये ऐप रहेगी वो कुछ इसी तरह से यहाँ से आपके सामने ओपन होने लग जाएगी। ओपन हो जाने के बाद दोस्तों इस ऐप का जो भी इंटरफेस रहेगा वो कुछ इसी तरह से यहाँ से आपके सामने शो करने लग जाएगा। उसी तरह से यहाँ से देख सकते हो यहाँ से आपकी लोडिंग की स्पीड रहेगी वो भी यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगी जो कि यहाँ से हमारा जो भी सर्वर है वो लोडिंग हो रहा है और उसी तरह से यहाँ से हमारा जो भी फास्ट टर्नर ऐप रहेगा यहाँ पर आप लोडिंग हो जाने के बाद इस दोस्तों आगे का प्रोसेस रहेगा वो देखने को मिल जाएगा। तो उसी तरह से दोस्तों यहाँ से हमारा जो भी 100% हो चुका और उसी तरह से इसके ऑप्शन है आपके सामने कुछ इसी तरह से देखने को मिल जाएगा। इस वाला ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे 3 लाइन वाले तो इसकी प्राइवेसी पॉलिसी रेटिंग और शेयरिंग दोनों देखने को मिल जाएगी जो कि इसके सिस्टम वाइज इधर पूरा ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। और उसी तरह से दोस्तों यहाँ से हमारा जो भी इस वाला ऑप्शन पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ से हमारे सामने सर्वर देखने को मिल जाएंगे जो कि यहाँ से अपने जो भी सर्वर रहेंगे यहाँ से आप कौन सा भी सर्वर कनेक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों उसी तरह से यहाँ से आपको ओके पे सर्वर कनेक्ट करने के बाद ओके पे क्लिक कर देना है जो कि यहाँ से मैं लंदन वाला सर्वर है वो कनेक्ट कर लिया। और उसी तरह से दोस्तों यहाँ से हमारे सामने कुछ ही देर में यहाँ से हमारा जो भी सर्वर रहेगा वो कनेक्टिंग देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों देख सकते हो यहाँ से हमारा जो भी सर्वर है वो कुछ इसी तरह से यहाँ से हमने कनेक्ट किया और उसी तरह से यहाँ से आपको अपना ऑप्शन रहेगा वो देखने को मिल जाएगा। तो उसी तरह से दोस्तों यहाँ से आपको कुछ देर वेट करने के बाद दोस्तों देख सकते हो यहाँ से सक्सेसफुल का ऑप्शन आ चुका है और यहाँ से हमारा जो भी सर्वर वो कनेक्ट हो चुका है। उसी तरह से दोस्तों यहाँ से हमारे जो भी डाउनलोडिंग और अपलोडिंग की स्पीड भी देखने को मिल जाएगी क्योंकि यहाँ से अपना जितना फास्ट रहेगा उसके हिसाब से इधर अपनी स्पीड रहेगी डाउनलोडिंग और अपलोडिंग की वो देखने को मिल जाएगी। और दोस्तों यहाँ से आप कौन सा भी सर्वर कनेक्ट कर सकते हो और दोस्तों इसे आप डिसकनेक्ट करना चाहते हो तो सिंपली इस वाला ऑप्शन पर आपको वापस क्लिक कर देना है क्योंकि यहाँ से हमारा जो भी सर्वर रहेगा वो आसानी से डिसकनेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों ये सर्वर जिसमें अपनी डाउनलोडिंग और अपलोडिंग भी काफ़ी अच्छी है उसी तरह से इस ऐप को यहाँ से अपना जो भी डिसकनेक्ट करने के लिए इस वाला ऑप्शन पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ से आपको डिसकनेक्ट का भी ऑप्शन वापस देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों देख सकते हो यहाँ से कुछ ही देर में हमारा जो भी ऑप्शन रहेगा यहाँ से आपको डिसकनेक्ट का ऑप्शन आपके सामने शो करने का। तो दोस्तों देख सकते हो डिसकनेक्ट का ऑप्शन आ चुका है और कुछ इसी तरह से इस ऐप को आप अपने मोबाइल में आसानी से यूज कर सकते हो। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना।